What the hell? Oh my God! You woke up. ये क्या चल रहा है sir? What is this? My reality. क्या? तुम यही सोच रहे हो ना कि कल रात मैं एक मर्द के साथ आया था और अब ये औरत कैसे बन गया? Actually, I wasn't expecting कि तुम इतनी जल्दी उठ जाओगे. I'm non-binary. समझती हो non-binary मतलब? So sometimes I feel like a man, sometimes I feel like a woman, and then there are days when I don't feel like either. So by the way, सारे non-binary लोग drag artists नहीं होते हैं. Drag is my passion. ऐसे देख रही हो जैसे कि बहुत देख लिया. इतना खराब दिख रही है. नहीं actually I mean I never expected to see you like this. I understand. You're not the first one who didn't expect this. But I wonder why people never thought, what do I expect from myself? I'm sorry, buddy, if I offended you. I mean, I never met someone with this identity. Non-binary? Yeah, non-binary. But ये wedding dress and all क्यों? मेरा एक फोटोशूट है ब्यूटी एंड द बियर्ड. कॉस्ट्यूम अभी आया टेलर से तो मैंने सोचा ट्राई करके देख लो फिटिंग वगैरह सब ठीक है या नहीं. वैसे चाय या कॉफी जूस भी है? नो आई एम कूल. इतना भी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो? जूस ला. वैसे बात कर सकते हो तो? मैं क्या बोलूँ आपको? I mean, आपके प्रोनाउंस क्या होंगे? He, she, they, तीनों. You decide. He चलेगा? Sure. Actually रात को चीजें इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी कि we hardly know anything about each other. नाम भी नहीं पूछा हमने. I'm Mystical Flame. What? That's my drag name. Drag artist हूँ. By the way, Shitesh this side. Hi, I'm Daksh. Visitor हो ना? Yes, here for work, tourism related. Photographer हो? Not exactly, but अच्छे photos खींचता हूँ. Ideal boyfriend material. आपको photos खींचवाना पसंद है? जिंदगी के इतने साल छुपाने में ही गए तो अब सोचा खुल के बाहर आ जाओ. गुड बाय. पीछे से मैं थोड़ा इंटेंगल है. कहाँ? टूवर्ड्स योर राइट. यहाँ? कैन आई? श्योर. डन. थैंक यू. ओके. ये तुम हो क्या? Innocent me. बेचारे को पता ही नहीं था कि जिंदगी क्या क्या दिन दिखाएगी। टफ था बहुत। आपका एक ही कमिंग आउट होता है ना, गे बाय लेस्बियन। मेरे तीन थे। फर्स्ट इज अ गे मैन, सेकेंड इज अ ड्रैग आर्टिस्ट एंड थर्ड इज अ नॉन बाइनरी पर्सन। पर गोवा इज कूल ना इन सब चीज़ों को लेके? ओनली इफ यू आर अ टूरिस्ट, नॉट अ लोकल। देन फैमिली? लंबी कहानी है, बैठो। डोंट वरी, शॉर्ट में सुनाती हूँ। चिंचिने एक छोटे से टाउन में पला बढ़ा। यहाँ ना सब एक दूसरे को जानते हैं, बातें बहुत जल्दी फैलती हैं इधर। So, आपकी फैमिली की क्या रिएक्शन थी? फैमिली, उनको सिर्फ लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता थी। रिश्तेदार सिर्फ नाम के लिए बने हैं, रिश्ता सिर्फ नाम का बचा है। उनके लिए मैं बस एक लायबिलिटी हूँ। दार ओपन कर मरे, दार ओपन कर सैतान खाइचो, दार ओपन कर बेगीन। मुझे दार तुका सदांच ओपन असा, तुझे साइडीन ओपन कर मरे। How many times will you bring shame to your family? सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पे। Shut up, John. Don't forget I'm your elder brother. Then behave like one. Treat yourself. You are the one who need to be treated for your homophobia. I don't need treatment. Shock treatment is ideal for you. Then only you will come back to your senses. माता तुझे खातिर लज दिसता. We all are ashamed of you. Then stop coming here. I don't want people in my life who don't love me for who I am. The church and the village will boycott us, and no one will marry me because of you. I don't care. And from today, you are dead for me. Are you alright? What happened? किसी ने बहुत दिन बाद पूछा if I'm alright. आप कहानी बताते बताते रुक गए बीच में। हाँ, खो गई थी जैसे उसने खोई थी। You mean your ex past relationship? टिपिकल गोवन कैथलिक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से था वो, बस इसी टाउन से। There is no doubt he loved me, but he was so much more concerned about the church, the family, the society. प्यार था दोनों के बीच में, पर चुपके चुपके। दुनिया के लिए खास दोस्त थे, पर जब दुनिया ना देख रही हो तो बस लव्स। But then what happened? you have common sense. Pretty much life पे attack है ना, what happened? What's wrong, sweetheart? That video is viral everywhere. People now talking about us. क्या जरूरत थी यार ये सब करने की? This is my art, Francis. उजागर थी आर्ट. See, my family now knows everything. उन्होंने already मेरी life के लगाना शुरू कर दिया था. और क्या जरूरत थी यार इस लड़कियों के काम में? क्या है ये यार wig, ये wedding gown, क्या कुछ तमाशा लगा के रखा है? What's wrong with you, Shitesh? So you love me with terms and conditions. हम एक छोटे गांव में रहते हैं. हमें यहाँ लोगों के हिसाब से जीना पड़ता है. अकल है क्या तुमको? I'm tired of being a caged parent. मुझे लगा तुम सपोर्ट करोगे, पर तुम। I do support you, Shitesh, but अपनी बात ना अपने तक रखो. समाज को ढिंढोरा पीट के बताने की जरूरत नहीं है सब. I can't leave my art, baby. Then leave me. That's simple. जो बंदा खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सका, वो मुझे क्या एक्सेप्ट करेगा? What happened to him? He left me, left his family, left this country too. पर मैंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा. वैसे एक सवाल था कि आप लोगों से, परिवार से, सबसे भाग सकते हो, पर खुद का क्या? खुद की असलियत से तो भाग नहीं सकते, राइट? मैन, यू हैव सीन लाइफ इट सिंस. बहुत मुश्किल होता है. लोगों से भाग सकते हो या लोगों को टाल सकते हो, पर खुद से नहीं भाग सकते. ये सबकॉन्शियस माइंड भी ना पता नहीं क्या क्या सोचता है. वेट Hey sister, I'm back. Why are you here? Oh honey, I'm a part of you. I'm a part of your mind. So, आते जाते रहेंगे. मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ बुरी चीजें कराती हो. Honey, I'm not bad. Yeah, I'm not good either. Sweetheart, मैं ना एक गाड़ी की तरह हूँ. जैसे चाहो वैसे चलाओ. अच्छे रास्ते पे चलाओ तो चल लूंगी, गलत रास्ते पे चला तो भी खुशी खुशी आपका साथ दे रही है. करता धरता तो आप हो और जालिम बदनाम तो हम होते हैं. I don't need your opinions about me anymore. मैंने एक्सेप्ट कर लिया है अपने आप को. म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज रीड documents carefully before investing big. Don't invest this. I've invested my feelings in this. No one will love you, babe. All will leave you. सब एक एक करके तुमको छोड़ के चले जाएंगे. Just like your cousin, your love interest. अकेली बच्चों की बहन, अकेली। वैसे मैं आती जाती रहूंगी अपनी प्यारी सी गुड़िया को मिलने। Get out! Get out! Get out! मेरा आना जाना ना मेरे हाथ में नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में। तुम मुझे जब बुलाती हो ना तभी मैं आती हूँ। वेडिंग गाउन एंड ऑल सब ओल्ड स्टाइल है यार। बाकी ड्रग आर्टिस्ट क्या कहेंगी, ये सब करके ना पेट नहीं भरता। 100 लाइक्स तो आएंगे क्या पोस्ट को? आई डोंट थिंक सो। खानदान की इज्जत का क्या, उनके बारे में सोचो। डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी सेल्फिश। डिड आई टेल यू तुम्हारी लिपस्टिक की शेड बहुत घटिया है, ओल्ड स्टाइल। स्मॉल टाउन की लड़की और क्या कर सकती है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी सेल्फ डाउट में गुजारी। मैं हमेशा दो चीजों के बीच जूझता रहा, एक नॉट अंडरस्टैंडिंग हु आई एम और दूसरी द होल वर्ल्ड ट्राइंग टू टेल मी हाउ आई शुड फील। एवरी टाइम आई ब्रोक इनटू पीसेस, आई हैड टू कलेक्ट एवरी सिंगल पीस एंड मूव ऑन। Courage in the love I had for myself. Every time the love for myself grew within me, the validation that I needed from other people to love me just diminished slowly. It withered away. From the quiet, soft-spoken kid that I was, that people told me, I grew into this confident, outspoken gay person, into a drag artist, and finally into my true self, the non-binary. Masculinity, femininity, men, women are just terms people tell you that you are to put you in a box. That's not who you really are. What you really are is how you feel from inside. What you identify yourself as, and no one can take that away from you. That's the undeniable truth. It's incontrovertible, and nobody can take that away from you. बहुत दिल से बात कर रहे थे आप। थैंक यू मिस्टर विजिटर, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। बहुत दिनों से काफी सारी फीलिंग्स अंदर दबी हुई थी, तुमसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू मिस्टर विजिटर। Can I? So, what do you think? I think in this materialistic world, finally somebody is being themselves.